हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक 10th स्टैंडर्ड के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये टॉपिक का नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ये टॉपिक बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये टॉपिक में हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, ब्रोकरेज वगैरह। ठीक है, सो जो ये वीडियो है, ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद आगे के जो चार वीडियो रहेंगे उसमें मैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 करा दूंगा। समझ में आ रहा है? सो ये वीडियो जानबूझ के मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी काम कैसे करता है, बस इसके लिए। ठीक है, जीएसटी का जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो नहीं होने वाला, ये इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी होता क्या हम लोग सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? जीएसटी लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, ठीक है, वो सब चीज डिस्कस नहीं होने वाला है। कमेंट सेक्शन में भी वो सब मत खेलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है? तो जीएसटी का नीड क्यों, जीएसटी लाया क्यों? जिसने भी जीएसटी लाया, जो गवर्नमेंट ने भी जीएसटी पास किया, तो उन्होंने दिमाग में रखा क्या कि जीएसटी क्यों पास करना है? जीएसटी के पहले देयर आर एन नंबर ऑफ टैक्सेस। एवरी स्टेट हैड वैरायटी ऑफ टैक्सेस। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग वैरायटी ऑफ टैक्सेस था। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हुआ, ऐसा सोचा कि हम एक नेशन के लिए एक टैक्स लाएंगे, एक नेशन के लिए एक टैक्स लाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, इसके लिए जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जिससे तुम कोई भी कंट्री में ट्रेड करो, यूनियन टेरिटरी में ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हें टैक्स का रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर चीज का टैक्स रेट ज्यादा रहता था, पर्टिकुलर का टैक्स रेट कम रहता था। समझ में आ रहा? और जीएसटी इफेक्ट में कब से आया? फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी के पहले कौन से टैक्स थे? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरसेज एंड सेस, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय, CST, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जिसको CVD भी बोलते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी SAD। समझ में आ रहा है? ये सारे टैक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करने लगे तो उस पर अलग से वीडियो बन सकता है, तो वो फिलहाल ये वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तो हमने समझ गए कि भाई जीएसटी क्या था, सिर्फ 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इन जनरल जीएसटी का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, सिर्फ 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीएसटी क्या था, जीएसटी लाया क्यों, और जीएसटी के पहले कौन से टैक्स थे? समझ में आ रहा है? अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज टैक्स इनवॉइस। सो गाइस, ये बोर्ड पे देख लो, ये पूरा टैक्स इनवॉइस है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए पढ़ने के लिए, टेक्स्ट बुक साथ में होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा जबरदस्ती लेके गया। हाँ, तो ये पूरा टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस कभी कहीं भी अगर तुम शॉप में जा रहे हो, अगर वो जीएसटी पेमेंट करता है, तो ये तुम्हारा टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस में यहाँ पे सप्लायर का नाम होता है, A to Z स्ट्रीट मार्क जो तुम्हारे बुक में सेम, इसके बाद नीचे उसका एड्रेस, ठीक है, जो भी एड्रेस। अब एड्रेस सही कि नहीं वो डिस्कस नहीं करते, ठीक है, सही भी हो सकता है, जाके चेक कर लो। फिर उसके बाद उसका इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, ठीक है, इसके बाद उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मैंने डॉट 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 कर दिया, मतलब आ जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ पे उसका जीएसटी आया नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इतना बड़ा नंबर होता है, इस पे मैं अलग से डिस्कस करूंगा, पूरे नंबर के बारे में अलग से डिस्कस करूंगा, एक बार टैक्स इनवॉइस करा दूं तो। समझ में आ रहा है? ये कैसे नंबर फॉर्म होता है, क्या क्या ये 2 का क्या सिग्निफिकेंस है, 7 का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं तुमको बताऊंगा, और फिर यहाँ पे इनवॉइस डेट। समझ में आ रहा है? ये हो गया। इसके बाद सीरियल नंबर, तुमने कितने आइटम लिए, 5 अलग अलग आइटम लिया, सीरियल नंबर। इसके बाद होता है HSN कोड। HSN कोड क्या है? फुल फॉर्म हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, HSN का फुल फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो जब जीएसटी है, सारे जो सामान उनको क्या दे दिए, कोड दे दिए हैं, अभी क्या करना पड़ता है, वो कोड दबाओ, अपने आप उसका रेट ऑफ जीएसटी समझ में आ जाता है। वो खुद से डालना नहीं पड़ता कि इसका 14% है, 18%, वो सारा डेटा कंप्यूटर में फीड रहता है। इसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट, पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, बटर। इसके बाद रेट इसका 400 पर केजी, लिया कितना है वो मालूम नहीं, बट रेट है 400 पर केजी। इसके 80 रुपीज चॉकलेट जो भी उसने उठाया रहेगा, डेयरी मिल्क, कैडबरी वगैरह जो भी। इसके बाद इसका 200 पर पैक आइसक्रीम, जो वो आइसक्रीम लिया उसका 200 पर पैक था। 35 रुपीज ब्रेड का है और 500 पर केजी बटर का है। इसके बाद क्वांटिटी, सामान कितना लिया है वो भी लिखना जरूरी है टैक्स इनवॉइस में। क्वांटिटी 500 ग्राम पर केजी, 400 का है बट क्वांटिटी 500 ग्राम ही उसने लिया, आधा किलो लिया। 1 बार 1 पीस लिया है। इसके बाद उसने 1 पैक लिया आइसक्रीम का, 1 पैक लिया ब्रेड का और 250 ग्राम लिया बटर का। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसको तुम लोग टैक्स लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? मैंने इतने का सामान लिया, इतना परसेंट डिस्काउंट लगा दिया। समझ में आ रहा? तुमने जितने का सामान लिया उस पर तुम टैक्स नहीं लगाओगे, जो डिस्काउंट कटने के बाद जो बचा उस पर हम लोग टैक्स लगेंगे। समझ में आ रहा है? टैक्सेबल अमाउंट मतलब जिस पर हम लोग टैक्स लगा सकते हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट देखो, 500 ग्राम लिया, 400 का 1 किलो होता तो 200 हो गया, 80 × 1 क्योंकि 1 ही लिया। 1 पैक लिया 500 ग्राम का, 200 × 1 200, 35 1 पैक, 35 × 1 अगर 2 पैक लेता तो 70 रुपीज होता।
500 पर केजी पर 250 ग्राम लिया, कैलकुलेट करोगे तो 125 आ जाएगा, क्योंकि 125 फोर से कितना होता है 500 होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तुम्हारी जीएसटी होती है वो दो में डिवाइड होती है, एक सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी। समझ में आ रहा है? अगर ट्रेडिंग स्टेट में हो रही है, अगर यूनियन टेरिटरी में हो रही है तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी। समझ में? इंटरनेशनल हो रही हो, इंटरनेशनल हो रही हो तो वो इंटरनेशनल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ध्यान देने को, तो जीएसटी रहता है वो डिवाइड होता है, फिर उसके बाद उसको कंबाइन करके हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र क्या स्टेट है, इसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर किसी यूनियन टेरिटरी में होता तो यहाँ पे एसजीएसटी नहीं होता, क्या होता है, यूटीजीएसटी होता। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ टैक्स, एक और चीज सर, जीएसटी डिवाइड हुआ ना, पर डिवाइड कैसे होगा, जो भी तुम्हारा जीएसटी का रेट है वो इक्वली डिवाइड होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, या सीजीएसटी और यूनियन टेरिटरी में। समझ में आ रहा है? अगर 18% जीएसटी है तो 9% होगा सीजीएसटी, 9% होगा एसजीएसटी। अगर 18% अगर 10% जीएसटी है तो 5% होगा स्टेट जीएसटी, 5% होगा सेंट्रल जीएसटी। अपने दिमाग में रखना, आगे हम लोग सम करेंगे तो हम लोग को ये यूज होगा। ठीक है। अब इसके बाद रेट 2.5, मतलब 2.5 रेट था सेंट्रल का, 2.5 था स्टेट था, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब टोटल जीएसटी कितना था 5%, 14% 14%, मतलब 28% जीएसटी था किस पे, चॉकलेट पे, 9% 18% आइसक्रीम पे, 0% ब्रेड पे जीएसटी नहीं था, जीएसटी से इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, 6% 12% जीएसटी है बटर पे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, गवर्नमेंट ने हर चीजों पे अलग अलग, जो तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे वहां पे आइटम का नाम है, जीरो रेटेड, हाई रेटेड, लो रेटेड। समझ में आ रहा है? वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें सीधा लिखा है जीरो रेटेड मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लो रेटेड मतलब पर्टिकुलर जीएसटी इस पे लगेगा, हाई रेटेड मतलब गवर्नमेंट ने सब गुड्स को, मतलब अगर मैं बोलूं 40% जीएसटी तो सारे गुड्स पे 14% जीएसटी नहीं, सारे गुड पे 10% जीएसटी नहीं, वो गुड अगर लग्जीरियस है, समझ में आ रहा, तो उस पर थोड़ा ज्यादा जीएसटी है, अगर वो गुड ज्यादा यूज हो रहा है तो उस पर कम जीएसटी है। समझ में आ रहा? कोई कोई चीजें ऐसी है जिसपे जीएसटी लगती भी नहीं है। ठीक है, तो वो तुम लोग अपने बुक में देख लेना, तुम लोग को वो समझ जाएगा, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्कस करने का इररेलेवेंट है, क्योंकि तुमको सब चीज लिखा है, सिर्फ इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश है, सिर्फ तुम्हें रीड करना है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो रेट है 2.5%, तो टैक्स निकालना है किसका, 2.5% टैक्सेबल अमाउंट का, 200 का 2.5% कैलकुलेट करोगे, 2.5 अपॉन 100, 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200, आंसर कितना आएगा 5, सेम 14% 11.20, 9% 18, 0% 0.00, 6% 7.50। तुम लोग को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है इनवॉइस बनाने का, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए सीख के लो, क्योंकि वो फिर वहां पे यूज होगा। इसके बाद सेम जो ये दो कॉलम है यहाँ पे सेम कॉपी करने का, क्योंकि रेट सेम रहता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट सेम रहता है। अभी ध्यान दो, जो तुम्हारा टोटल है वो कैसे मिलेगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस ये टैक्स प्लस ये टैक्स, 200 प्लस 5 प्लस 5 210, 80 प्लस 11.20 102.40, इसके बाद 200 प्लस 18 प्लस 18 कितना आंसर आएगा 236, 35 प्लस 0 प्लस 0 35 आ जाएगा, इसके बाद 125 प्लस 7.5 प्लस 7.5 कितना आंसर आ जाएगा 140, क्योंकि 7.5 15 होगा, 125 प्लस 15 आंसर कितना आएगा 140। तो टोटल उस बंदे को ए टू जेड स्वीट मार्ट को कितना रुपया देना पड़ेगा, 723.40 रुपीस। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा टैक्स इनवॉइस है। ठीक है, अभी ये हो गया, अभी सिर्फ एक चीज बाकी इंपॉर्टेंट, ये जीएसटी आईएन नंबर हम लोग देखेंगे कि ये इसमें हर चीज का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो वो समझने का ट्राई करते हैं। सो गाइज, ये तुम्हारा जीएसटी आईएन का पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, सो जो पहला टू डिजिट है, ठीक है, पहले बताओ जीएसटी आईएन क्या है, कितना कितने नंबर कितने डिजिट्स हैं, डिजिट्स नंबर कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये 10 डिजिट पैन नंबर, 10 12 13 14 15 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो जो पहला टू डिजिट था वो स्टेट कोड होता है, जैसे 27 महाराष्ट्र, यस 27 इज द स्टेट कोड फॉर महाराष्ट्र, अलग स्टेट का अलग अलग स्टेट कोड। समझ में आ रहा है? मालूम तो पड़ना चाहिए कौन से स्टेट से जीएसटी फाइल हुआ है। इसके बाद ये 10 डिजिट पैन नंबर होता है वो कंपनी का, समझ में आ रहा है, जैसे इसने ए टू जेड सप्लायर मार्ट का वो 10 टू जेड वो ये 10 डिजिट पैन नंबर होगा जो उसने रजिस्टर किया रहेगा। इसके बाद वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन, जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहेगा वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जेड जस्ट ऐसी ये डिफॉल्ट अल्फाबेट है जो सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल। समझ में आ रहा है? इसके बाद ये ध्यान देना, ये फाइव, फाइव क्या है, ये चेक सम डिजिट है, ये चेक करने के लिए वैलिडिटी किसकी, जीएसटी की, जब तुम लोग उसको जीएसटी पोर्टल पे डालोगे तब। समझ में आ रहा है? क्योंकि जीएसटी फाइल करने के लिए हम लोग पे करेंगे तो उस टाइम पे वैलिडिटी चेक करने के लिए ये लास्ट फाइव काम आता है। एक बार फिर से, 15 होते टोटल, पहला दो स्टेट कोड, फिर 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, ये वन,
रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जेड तुम्हारा क्या है यूनिफॉर्म बाई डिफॉल्ट ऐसी ऐसी जेड रखा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या पता इसको चेंज भी कर ले, ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो जेड है, जो तुम्हारे उसमें था उसके लिए तो जेड है। इसके बाद जो जो ये है ये क्या करने के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए, जब तुम लोग जीएसटी पोर्टल में एंटर करोगे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वीडियो हो चुका है, अगर तुम लोग को कुछ भी डाउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, प्लस डिस्क्रिप्शन में देखो इंस्टा मोजो का लिंक है, अगर तुम लोग को मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो वो लिंक पे क्लिक करो और तुम लोग चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो कोई भी अमाउंट, ठीक है, और वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।